हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी को इस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। अभी तक जो भी पढ़े हैं वो सारा नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में पढ़े हैं। मेरा पहला वीडियो था नेशनल पॉलिसीज़ फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट के बारे में था। और इस वीडियो में जो कि मैं लक्ष्मीकांत से पॉइंट एक एक पॉइंट गैदर करके आपको इस वीडियो माध्यम के तरह आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेंस मतलब क्या है। और मेरा पिछला वीडियो में भी बता चुका हूँ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेंस मतलब इस वीडियो में और इस पार्टिसिपेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और नेशनल पॉलिसीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वीडियो माध्यम के तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि द नेशनल पॉलिसीज फॉर एम्पावरमेंट वुमेन वॉज अडॉप्टेड इन 2001। इसका मतलब क्या है? एम्पावरमेंट मीन्स एम्पावर देना, उनको अधिकतर मैं पहन लेता हूँ, उनका अधिकतर क्या देना है? एम्पावरमेंट देना उनको सभी स्थानों, वी कैन से ईच एंड एवरी फील्ड में, हर एक फील्ड में उनका बहुत योगदान रहना चाहिए, वही एम्पावरमेंट कहलाता है वुमेंस के लिए। जैसे कि हम जानते हैं अभी वुमेंस का बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है, बहुत हरासमेंट भी होता है, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट्स भी लागू किया गया है गवर्नमेंट की तरह से, लेकिन इस नेशनल पॉलिसीज ये बता रहा है कि वुमेंस का एम्पावरमेंट योगदान क्या है। पहला पॉइंट क्या है? क्रिएट एन एनवायरमेंट थ्रू पॉजिटिव इकोनॉमी एंड सोशल पॉलिटी फॉर फुल डेवलपमेंट ऑफ वुमेंस टू एनेबल देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है? एक अवेयरनेस हमको क्रिएट करना है, कि एक जागरूक होना है, कि हमें ये जागरूक करना है कि सभी औरतें काबिल है, कुछ भी कर सकती है। सो हम जानते हैं कि अभी न्यूज़ आया है न्यूजीलैंड का पीएम एक ही पीएम है जो कि कोरोना वायरस फ्री कंट्री बना दिया है। इसी तरह वुमेन को एम्पावर देना है, उनको पॉजिटिव थिंकिंग दिलवाना है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि द डी जू एंड डी फैक्टो एन्जॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ वुमेंस टू इक्वल बायस विथ मैन। मतलब क्या है? हमारा मर्दों की तरह औरत भी एक ही काबिल है, एक ही कहना चाहते हैं, एक ही कहना भी चाहिए, जो कि मर्दों कर सकते हैं वो औरत भी कर सकती है। थर्ड पॉइंट क्या है? इक्वल एसिस टू पार्टिसिपेशन। इनका मतलब क्या है? एक ईच एंड एवरी पार्टिसिपेशन में उनका योगदान रहना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, उनका एनेबल करना है, हेल्थ कॉरपोरेशन में उनका योगदान रहना चाहिए, उनका हर एक क्षेत्र में उनका योगदान बड़ा अधिकतर रहना चाहिए मर्दों की तरह, वही वुमेन एम्पावरमेंट कहलाता है और नेशनल पॉलिसीज की तरह। वही पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट, आठ और नौ, वही बता रहा है कि हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस और पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में उनका योगदान और डिफरेंट फील्ड्स, जॉब्स और एक एक स्तर में उनका योगदान क्या है, उनका अभी कौन सा स्थान है, उनको कौन सा स्थान में हम लेना चाहिए, वही इस वीडियो माध्यम की तरह एक एक पॉइंट और जो कि नेशनल पॉलिसीज़ के फॉर वुमेन एम्पावरमेंट में आता है। ठीक है, धन्यवाद मेरा वीडियो लेक्चर्स अंत तक देखने के लिए और पॉइंट्स नोट करने के लिए, और ईच एक एवरी पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।